हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं आज बात करने जा रहा हूं कि धान में लगने वाले तना छेदक कीट से अपने धानों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपके भी धान तना छेदक कीट से प्रभावित है तो आप उस पर किस तरह से नियंत्रण पा सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, इसीलिए जानने के लिए आप देखिए हमारे पूरे वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, यह जो तना छेदक कीट है इसके आने का क्या कारण है, सबसे पहले हम इसके कारणों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड, इसके आने का जो कारण है सफ़ेद तितलियाँ। जी हाँ, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, यह सफ़ेद जो तितलियाँ आपके धानों को किस तरह से प्रभावित करता है, तो चलिए हम बारीकी से आपको बताते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तितलियाँ, तो किसान भाइयों, ये जो तितलियाँ होता है धान के पत्तियों के ऊपर कुछ रुईदार अंडे देता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह जो रुईदार अंडे है इसमें छोटे छोटे कई कीड़े धीरे धीरे पनपने लगते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड, यह वीडियो आप पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह जो कीड़े हैं, धीरे धीरे कुछ कीड़े होते हैं जो कि धान के ऊपर से तना में छेद करके ढूकते हैं, और जो कुछ कीड़े हैं जो कि नीचे से तना में छेद करके ढूकते हैं और ऊपर की ओर निकलता है। इस स्थिति में क्या होता है, हमारे धान जो है सूखने लगता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से छेद करता है। यह जो कीड़े है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखिए कि यह बड़ा होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। तो इसका जीवन काल जो है, पहले सफ़ेद तितलियाँ आते हैं हमारे खेत में, उसके बाद वह अंडा देता है, अंडे से कुछ दिन में बच्चा निकलता है और वह हमारे फसल को प्रभावित करता है। तो प्रभावित किस प्रकार से होता है, चलिए समझते हैं। यह जो है हमारे धान के कल्ले को प्रभावित करता है, कल्ला जो है सूखने लगता है, साथ में जो है बालियां जो है धान के वह खाली रह जाते हैं, सफ़ेद बालियां बाहर आते हैं, जिससे फ्रेंड हमारे धान के जो है ग्रोथ है वो कम पड़ जाते हैं, हमारे धान खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड, इसके उपचार के बारे में बात करें तो फ्रेंड इसका जैविक उपचार है। सबसे पहले आप क्या करें, जिस समय आप अपने खेतों में धान लगाने जा रहे हैं तो पहला नंबर तो गहरी जुताई करें, और दूसरा है फ्रेंड फसल अग्रतर रोपाई करें। सबसे पहले फसल जो है शुरुआती तौर पे अपना फसल को लगाने के प्रयास करें। और फ्रेंड, अगर आपके धानों में तना छेदक कीट दिखाई पड़ रहा है तो अपने खेतों में जो है अपने खेतों में पानी डालें और यूरिया की मात्रा जो है कम दें। और रासायनिक उपचार के लिए नंबर एक पे जो दवाई है वो है इमीडा क्लोरोप्रीड 17.8%। यह फ्रेंड 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे कीजिए। और नंबर दो पे है क्लोरोफायरीफॉस 20% EC, यह 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे कीजिए। और नंबर तीन पे बात करें तो वह है केल्डन 15 SP, यह जो है 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे अपने खेतों में छिड़काव कीजिए, यह पाउडर के रूप में होता है। तो फ्रेंड यह कुछ दवाई है और सावधानी आपको क्या रखना है, तो सावधानी यही करना है कि अगर आपके धानों में तना छेदक कीड़े का प्रभाव हो तो ही इस दवाई को उपयोग करें, अन्यथा नहीं करें। इससे क्या होता है, हमारे मित्र कीट भी मर जाता है, जो कि हमारे मित्र कीट में आता है मकड़ी, ड्रैगन फ्लाई, ततैया, यह कुछ कीड़े हैं जो हमारे मित्र कीट है, तो यह हमारे धानों में क्या करते हैं, फ़ायदा पहुंचाता है। तो सावधानी यही करना है। अगर आपके धानों में पीलापन की समस्या है तो ऊपर आई बटन पे वह वीडियो शो हो रहा होगा, पर आप उस वीडियो को देख लीजिए। और फ्रेंड, लास्ट के एंडिंग में भी उस वीडियो का शो दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।